Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, I am Ahmed Ali. Welcome to A Classroom. तो हम पढ़ रहे हैं लाटिक सीरीज और आज की इस नाइन्थ वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में जो हमारी नाइन्थ वीडियो है इसमें हम मजीद कुछ चीज़ें सीखेंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारे पास प्रेजेंटेशन बीमर। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और उसमें कुछ चीज़ें रहती है जो कि हमारे पास रेफरेंसेस, तो हम इंशाल्लाह चूँकि ये चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है तो हम इसके बाद फिर पढ़ेंगे उसको, रेफरेंसेस और नोमेनक्लेचर को हम डिस्कस करेंगे। तो लाटिक में प्रेजेंटेशन, जिसको हम प्रेजेंटेशन बीमर कहते हैं या सिंपली इसको बीमर से जाना जाता है, जिस तरह हम पावर पॉइंट वगैरह में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो लाटिक में प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही ईजी है। और इसका लुक अगर आप देखेंगे तो लाटिक में प्रेजेंटेशन बनाना ये एक बहुत ही आसान काम है एज कम्पेयर टू पावर पॉइंट, और इसको बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें चंद एक कमांड्स यूज़ होते हैं, वो यूज़ करना होता है और इसकी एडजस्टमेंट भी बहुत ही इजीली हो सकती है। तो चूंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है बीमर प्रेजेंटेशन में, तो हम स्टार्ट लेंगे बहुत ही बेसिक से, एक टाइटल पेज क्रिएट करेंगे। तो चूंकि बिल्कुल स्टार्ट ही में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था कि मैं लाटिक में अपने प्रेजेंटेशंस वगैरह बना चुका हूं और मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दी थी कि मैं किस तरह लाटिक में अपने प्रेजेंटेशंस बना चुका हूं। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह इसमें हम ग्राफिक्स लोड करते हैं, इक्वेशंस किस तरह बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके लुक से, इस इक्वेशंस के लुक से आप देख सकते हैं कि कितने इफ़ेक्टिव तरीके से हम लाटिक में इक्वेशंस वगैरह राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चूंकि आज हमारी बेसिक वीडियो है तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे आज कि हम इस तरह का एक टाइटल पेज किस तरह क्रिएट करेंगे लाटिक में। तो इस तरह का टाइटल पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है हमने अपना लाटिक खोलना है, और ये चूंकि हम अपना डॉक्यूमेंट डिस्कस कर चुके थे, डॉक्यूमेंट में हमने सब कुछ तकरीबन बहुत सी चीज़ें इसमें सीखी थी। तो चूंकि हम बीमर बना रहे हैं तो हम अपने लिए एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, तो फाइल क्रिएट करने का वही मेथड है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और इसको सबसे पहले सेव करेंगे। तो फाइल को सेव एज पे आएंगे, सेव एज, और डेस्कटॉप पे चले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, माई फर्स्ट बीमर लिख लेते हैं इसको, माई फर्स्ट बीमर प्रेजेंटेशन, या इसको जस्ट माई फर्स्ट बीमर नेम देते हैं। तो ये सेव करना है सबसे पहले आपने, जैसे ये सेव हो जाए तो हमने अपना डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करना है। तो देखें बीमर लिख रहे हैं हम, जो भी लिखें सबसे पहली चीज हमने अपना डॉक्यूमेंट क्लास स्पेसिफाई करना है कि हम डॉक्यूमेंट क्या लिख रहे हैं। डॉक्यूमेंट आया हमारे पास बीमर है, कोई बुक लिख रहे हैं तो बुक स्पेसिफाई करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। तो चूंकि हम प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो हमने सबसे पहले बीमर, लाटिक की जुबान में इसको हम कहते हैं बीमर, तो हमने डॉक्यूमेंट क्लास स्पेसिफाई करना है, स्लेश डॉक्यूमेंट क्लास, डॉक्यूमेंट क्लास। तो ये देखें डॉक्यूमेंट क्लास आ चुका है, इस पर आपने इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है बीमर। तो देखें समटाइम्स इस डॉक्यूमेंट क्लास के साथ हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ यूज करते हैं जो कि ऑप्शनल है, कंप्लीटली ऑप्शनल है, तो वो कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं हम, लेकिन बाई सिंपली जब हम लाटिक स्टार्ट करते हैं तो हम नॉर्मली उसको स्पेसिफाई नहीं करते, उसका कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफाई करेंगे तो उसके कुछ अपने मीनिंग्स होते हैं, यानी टाइटल पेज पे जो हमारा टाइटल होता है उसको एडजस्ट करना है, टॉप करना है, उसके बॉटम में लिखना है, या नेविगेशन सिम्बल्स को हम चेंज वगैरह करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप यूज़ ना करें यहाँ। फिर डॉक्यूमेंट क्लास के बाद देखें ये हमें पता है हम बिगिन डॉक्यूमेंट, देखें बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो ये तो आपने याद रखना है हमेशा इसी तरह होगा, बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान हम अपना डॉक्यूमेंट लिखेंगे। ये जो जगह है इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट क्लास और बिगिन डॉक्यूमेंट के दरमियान में जो जगह है इसको हम कहते हैं प्रीएम्बल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें चूंकि हमने यहाँ पे बीमर स्पेसिफाई कर दिया है तो मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ डॉक्यूमेंट क्लास में बीमर लिखेंगे तो आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगा। तो इंस्टॉल करने का मेथड वही है, मिकटेक कंसोल में जाना है और मिकटेक कंसोल में जैसे ही चले जाए वहाँ पर पैकेजेस में आपने सर्च करना है बीमर, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बीमर पैकेज को आपने इंस्टॉल करना है।
तो लेट से मैं आपको मेथड दिखा देता हूं। मिकटेक कंसोल में जाना है, फिर यहां पे आपने आना है पैकेजेस में, फिर यहां पे आपने लिखना है बीमर, बी ई ए एम ई आर, फिर आपने सर्च करना है। तो देखें इसमें बीमर से रिलेटेड जो पैकेजेस हैं वो आपने इंस्टॉल करने हैं। तो देखें बेहतर होगा कि बीमर से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं, ये देखें बीमर, वेरोना, ये भी इंस्टॉल्ड हैं। तो नॉर्मली ये जब आप बीमर मजीद इसमें आप चेंजेस करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका लेंथी होगा, तो फिर आपके लिए बीमर के और भी पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे, वो भी आपने इंस्टॉल करने हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक पैकेज है दैट इज बीमर बी ई ए एम ई आर, देखें इसको मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। यूजर आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ देखें इंस्टॉल पैकेज पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लें आप इसको, तो फिर आपने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करना है। देखें ये आ रहा है अलॉटेड क्लास फॉर प्रोड्यूसिंग प्रेजेंटेशंस एंड स्लाइड्स, तो बीमर में हम प्रेजेंटेशंस लिखते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, जिस तरह हम कहते हैं स्लाइड, तो स्लाइड हम पावर पॉइंट में एक फ्रेम को कहते हैं, एक पेज पे जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं स्लाइड। तो लॉटेक की जुबान में स्लाइड को हम यहाँ पे कहते हैं फ्रेम, लॉटेक की जुबान में हम कहते हैं स्लाइड को हम कहते हैं फ्रेम। तो देखें क्योंकि हम टाइटल पेज क्रिएट कर रहे हैं, टाइटल पेज, तो टाइटल पेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ चार बेसिक कमांड्स हम यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, कमांड्स वही होंगे। हम लेट से टाइटल पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो रिमेंबर टाइटल पेज को हम प्रीएम्बल में लिखते हैं, उसके कमांड्स हम प्रीएम्बल में देंगे, टाइटल पेज के कमांड्स हम प्रीएम्बल में देंगे, रिमेंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश टाइटल, तो टाइटल उसी पेज को, लेट से हम, मैंने आपसे कहा कि इसी को जनरेट करते हैं, तो टाइटल हम देते हैं फेस शिफ्ट्स एंड द बोन अप्रोक्सीमेशन। तो यहां पे देते हैं, यहां पे फेस शिफ्ट्स एंड, तो देखें एंड इसमें आप इस तरह यूज नहीं कर सकते, एंड को यूज करने के लिए आप सिंबल्स पढ़ चुके हैं, इसके आगे आपने स्लैश लगाना है, बैक स्लैश, तो इसको एंड को यूज करने के लिए आपने ये यूज करना है, तो आप पढ़ चुके हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आप ए एंड डी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये यूज कर रहे हैं स्लैश 7 के साथ, शिफ्ट 7 के साथ एंड लगाएंगे एंड द बोन अप्रोक्सीमेशन, द बोन अप्रोक्सीमेशन, सही है, ये हमारा टाइटल हो गया। अब इसके बाद जाहिर सी बात है इसका ऑथर भी होगा, तो स्लैश ऑथर, ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इन चार कमांड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑथर में हम लिखेंगे, मैं अपना नेम लिख देता हूं, लेट्स से, फिर देखिए हमारे पास डेट होता है स्लैश डेट, तो डेट में मैंने आपसे कहा था कि या तो आप खुद से इसमें एक डेट डाल सकते हैं अपनी मर्जी का, या अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं इसको रन करूं उसी दिन का डेट इस डॉक्यूमेंट में मेरे आ जाए, तो आपने फिर लिखना है स्लैश टुडे इसमें। और अगर आप कोई और डेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं कि 5th अप्रैल 2021, ये भी लिख सकते हैं। तो मैं नॉर्मली इस तरह करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश टुडे। अच्छा, अब देखें ये तीन कमांड्स हम यूज़ कर चुके हैं। अब देखें इसको क्रिएट करने के लिए, चूंकि ये टाइटल हमारे स्लाइड पे होना चाहिए, ये जो मैं इसको दे रहा हूँ बीमर में प्रीएम्बल में, ये हमारे स्लाइड पे आना चाहिए। तो स्लाइड पे आने के लिए सबसे पहले आपने स्लाइड बनाना होगा। तो लॉटेक में स्लाइड्स हमेशा हम बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में बनाते हैं, रिमेंबर, स्लाइड्स हमेशा बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में हम स्लाइड्स बनाते हैं, और स्लाइड्स को हम लॉटेक की जुबान में फ्रेम कहते हैं। तो देखिए फ्रेम को क्रिएट करने के लिए मेथड क्या है, स्लैश बिगिन फ्रेम, एफ जैसे आप क्लिक करेंगे एफ आर, तो देखिए यहां पर आ जाएगा बिगिन फ्रेम। तो देखें बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में हमने क्या किया, यूज किया बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम, और बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम यानी ये अब हमारा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब इस फ्रेम के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो फ्रेम पे हमारे आएगा, अभी जब इसको कंपाइल करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो देखें मैं चाह रहा हूं कि ये जो टाइटल मैंने इसको दिए हैं, टाइटल, ऑथर और डेट, ये मेरे एक फ्रेम पे आ जाए, तो मैं बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम के बीच में दूंगा स्लैश टाइटल पेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि ये जो मैंने टाइटल दिया है इसको ऑथर डेट, ये एक टाइटल पेज है हमारा, तो ये टाइटल पेज कहाँ पे होगा, ये बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम जो हमारा फ्रेम है उस पे ये टाइटल पेज आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया टाइटल पेज। वहां पे अगर आपको याद हो हम यूज कर रहे थे मेक टाइटल, तो यहाँ पे हम मेक टाइटल यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम के बीच में, बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के अंदर बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम के बीच में स्लेश टाइटल पेज यूज करेंगे, और जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे तो हमारा बहुत ही एक बेसिक सा टाइटल पेज क्रिएट हो जाएगा। ये देखें हमारा टाइटल पेज क्रिएट हो चुका है। अब देखें आपने बुक को पढ़ना है, बुक में लिखा है कि बुक को आपने जरूर पढ़ना है। इसमें ये देखें, ये आप पढ़ सकते हैं इसके हवाले से कि लैटेक्स इसका लुक अच्छा होता है इस कंपेयर टू पावर पॉइंट, और इसमें इजी होता है लिखना, तो ये किससे हमने नहीं पढ़ने, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें ये ऑप्शंस होते हैं और ये बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, आपने सीखना है। तो देखें ये तो हमारा बहुत ही बेसिक एक कस्टमाइज टाइटल पेज के को जब डिस्कस करेंगे उसके बाद आएंगे उसको, लेकिन आज सिर्फ बेसिक सीखेंगे। तो ये है एक बहुत ही बेसिक सा टाइटल पेज, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करें और इसको बहुत ही अच्छा बनाएं, तो इसको बहुत ही अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कि ये देखें बहुत ही सिंपल हमें नज़र आ रहा है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास में मैं एक यूज़ करूँगा एक, क्योंकि इसका देखें इसमें थीम्स हम यूज़ कर सकते हैं। थीम्स का मतलब ये है कि इसका जो फुटर होगा और इसका जो ये टाइटल होगा, इसको हम अगर बोल्ड लिखना चाहते हैं या इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका लुक अच्छा होना चाहिए, तो लैटेक्स आपको बीमर में एक चीज प्रोवाइड कर रहा है स्लेश यूज कलर, सॉरी यूज थीम। तो यूज थीम का मतलब ये है कि बीमर थीम, यहां पे आपने वो थीम यूज करना है, तो लैटेक्स आपको बहुत सारे थीम्स प्रोवाइड करता है, तो उन थीम्स का काम ये है कि जब आप उनको यूज करेंगे तो उसका लुक आप जब देखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव लुक होगा उसका। देखें इस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो चंद एक थीम्स लैटेक्स आपको प्रोवाइड करता है और वो हमारे पास हैं। देखें जब आप यूज़ करेंगे स्लेश यूज थीम, तो यूज थीम में आपने यूज़ करना है बोर्डेला यूज़ कर सकते हैं, फ्रैंकफर्ट यूज़ कर सकते हैं, मैड्रिड, बर्लिन, वर्सा एट्सेट्रा। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये हमारे पास बहुत सारे थीम्स हैं इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। देखें ये थीम्स हैं, तो देखें इसमें हम टीम्स यूज कर सकते हैं, बर्कले, बर्लिन, बोएडेला, ये सब मैं आपको दे दूंगा और आपने सबको ट्राई कर लेना है, चंद एक हम इस वीडियो में ट्राई कर लेंगे। तो देखें थीम का क्या मतलब है, थीम यूज कलर थीम, इसको तो आपने यूज करना है यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूं MADRID मैड्रिड, तो मैं यहां से उठाता हूँ मैड्रिड, ये लिस्ट में बुक में भी अवेलेबल है और लिस्ट से मैं उठा देता हूँ ये वाला, देखें इसमें मैं ये यूज कर रहा हूँ यूज थीम मैड्रिड, तो इसको मैं यूज कर रहा हूं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इफेक्ट कितना ही जबरदस्त होता है हमारे पास। अब देखें आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस यूज थीम मैड्रिड को यूज किया, तो आप देख सकते हैं इसमें आप कलर्स देख सकते हैं, और इसमें एक बहुत ही जबरदस्त चीज है वो आप देख सकते हैं फुटर। तो फुटर में क्या है आपके पास, देखें जो मेरा ऑथर है जो कि मैंने अपना नेम लिखा है वो देखें फुटर में आपको नजर आ रहा है, जो आपका टाइटल है वो देखें वो भी आपको फुटर में नजर आ रहा है, देखें उसका डेट भी नजर आ रहा है, और बहुत ही एक और भी इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें है वो देखें पेज नंबर भी आपको आ रहा है। तो देखें एक ही थीम यूज करने से लैटेक्स आपको सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो डेट इज वाई लैटेक्स में प्रेजेंटेशन लिखना और एमएस वर्ड में लिखना, सॉरी पावर पॉइंट में लिखना, तो लैटेक्स में प्रेजेंटेशन लिखना बहुत ईजी भी है, बहुत इफेक्टिव भी नजर आता है, इसका लुक बहुत ही नीटर होता है एज कम्पेयर टू पावर पॉइंट। तो ये तो अभी मैंने इसको मजीद अभी नहीं बनाया, इसको जब मजीद हम इसमें चेंजेस करेंगे तो इस तरह का एक हम बनाएंगे, एग्जैक्टली इसी तरह का एक बनाएंगे हम। तो देखें ये मैंने यूज किया यूज थीम मैड्रिड। अब देखें अगर बुक में यहां तक गिवन है बुक में कि आप यूज थीम कोई भी थीम यूज करें, देखें अगर इसके अलावा बहुत सारे थीम्स हैं, सिर्फ ये थीम नहीं हमारे पास, आप यूज कर सकते हैं कैम्ब्रिज यूएस बुक में गिवन है, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कैम्ब्रिज यूएस अगर यूज करेंगे BRID स्पेलिंग का जरूर ख्याल रखना है, जैसे ही कंपाइल करेंगे तो इसका थीम अलग है, तो इसका स्टाइल सब कुछ फिर चेंज होगा, फुटर में भी इसके चेंजेस होंगे, सब कुछ इसका अकॉर्डिंग टू थीम आपको वही लुक मिलेगा। तो जो थीम आपको अच्छा लगे और आपको जो रिक्वायर्ड हो वो थीम आप यूज कर सकते हैं। तो देखें इसका इफेक्ट,
अब देखें ये टीम इसका देखें इफेक्ट, इसका टीम ये देखें, इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास वाइट किस्म का है, जो कि ब्लॉक जो कि हेडिंग है, देखें वो ब्लॉक देखें, यहाँ पे फुटर में देखें रेड, ये देखें वाइट, और ये इसी तरह सिल्वर कलर का कुछ इसका इफेक्ट है। इसी तरह बहुत सारे टीम्स हैं आप यहाँ पे यूज करेंगे, बोआ डेला यूज करेंगे यूज टीम की जगह। तो जैसे इसको कंपाइल करेंगे तो देखें बोआडेला का ये बहुत ही सिंपल सा एक लुक है मिस्टर अली, और ये इसका देखें बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरी अपनी मर्ज़ी है मैड्रिड, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब देखें अगर आप इसको मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो बुक में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपने क्या करना है, अगर आप कहते हैं कि इसमें कुछ और भी चेंजेस हो, इसका लुक बहुत ही अच्छा हो, तो देखें लाटेक आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और वो है यूज कलर टीम। अब इसका क्या मतलब है, देखिए एक है हमारे पास यूज टीम और एक है हमारे पास यूज कलर टीम। अब यूज कलर टीम का मतलब ये है कि टीम आपका यही होगा जो आप यूज करेंगे, लेकिन उसके कलर्स मिक्स हो जाएंगे, तो जब कलर्स मिक्स होंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा होगा हमारे पास। अच्छा आप यूज कलर टीम में कौन कौन से पैकेजेस आपको लाटेक प्रोवाइड कर रहा है, तो देखें मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, तो आप जब इसके नीचे आएंगे यूज कलर टीम में, एक है हमारे पास एल्बर्ट्रॉस, एक है हमारे पास बीवर, बीटल, क्रेन, डॉल्फिन, डॉव, फ्लाई, लिली, ऑर्चिड, रोज, सीगल, सी हॉर्स, वेल, वॉल्वोरिन, तो ये आप सारे यूज कर सकते हैं। टीम भी आप चेंज कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि अगर आप इन कम्बिनेशन टीम्स और इसको यूज करेंगे तो आपके पास इतने सारे कम्बिनेशन पॉसिबल हैं, इतने सारे लुक्स आप अपने प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। यानी एक दफा अगर आप यूज टीम यूज करें वर्सा, तो वर्सा के लिए आप ये सारे कलर यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप सिंगापुर यूज करें तो इसके लिए आप ये सारे कलर टीम यूज कर सकते हैं, इसका इफेक्ट अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज कलर टीम में ये अक्सर मैक्सिमम मैं ये यूज करता हूँ वॉल्वरीन, तो जैसे ही आप इसको यहां से कॉपी करें और यूज कलर टीम में मैड्रिड के साथ, रिमेंबर टीम हमारा मैड्रिड है और मैड्रिड के साथ मैं वॉल्वरीन यूज कर रहा हूं, तो इसका इफेक्ट जरा आप देखें। अब देखें इसका इफेक्ट आप जरा देखें, कितना जबरदस्त लुक है इसका, फेस शिफ्ट्स एंड द बोन अप्रोक्सीमेशन। देखें अब अगर आप इस राइटिंग को देखें, फोन स्टाइल को, तो वो कलर हमारा वही ब्लू है, बैकग्राउंड येलो हो चुका है और मैड्रिड के साथ ये मिक्स हो चुका है। देखें फुट लाइन में, देखें फुटर में, ये जो फर्स्ट फुटर में जो फर्स्ट पोर्शन है ये ब्लू है और बाकी येलो है। अगर यहाँ पे मैड्रिड की जगह आप ये यूज करें कैम्ब्रिज यूएस, तो आप बहुत सारे टीम्स भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ कलर टीम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो यूज कर सकते हैं और उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो यहां पे छोटा एस नहीं लिखना, कैपिटल एस लिखना है। तो आप देखें आप इसका इफेक्ट क्या है, कैम्ब्रिज यूएस के साथ अगर ये टीम यूज करेंगे तो देखें हेडर में आपको एक लाइन सा मिलेगा एक, और फुटर में भी आपको इफेक्ट चेंजेस नजर आएंगे। यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ, एक हमारे पास कलर टीम है बीवर, लिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं बीवर, सॉरी यहाँ पे एक तो बीवर जब यूज करेंगे तो बीवर के साथ इसका इफेक्ट ये होगा। तो चूंकि हम अपना टाइटल पेज, तो देखिए मेथड सीखना है आपने, आप खुद ब खुद इसमें चेंजेस कर सकते हैं, टीम्स और पैकेजेस लिस्ट आपके पास मेंशन होगा, उससे आप यूज करें और इफेक्ट्स देखते जाएं। तो ये हमने चेंजेस किए इसमें, यूज कलर टीम वॉल्वरीन और यूज कैम्ब्रिज, यूज टीम कैम्ब्रिज हमने टीम यूज किया है। तो देखें ये हमारे पास आ चुका है। अब देखें इसको मजीद चेंजेस इसमें करने के लिए, देखें आज हम बेसिक सीख रहे हैं, इसको हम कस्टमाइज टाइटल पेज के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि जब फुटर में अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये अगर वो नहीं चाहिए, पेज नंबर रिमूव करना हो, टाइटल पेज में चेंजेस करने हो, तो ये कस्टमाइजेशन की तरफ फिर हम चले जाएंगे। तो आज हमने बेसिक सीखना है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रोल नंबर 829 डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर।
अब देखें, और इसमें लोगो भी हमारे पास आ चुका है, तो लोगो को किस तरह यूज करेंगे देखें, बहुत ही सिंपल है। यहां पे हमें लाटेक एक चीज प्रोवाइड कर रहा है जिसका नाम है /institute/institute। देखें ये आ चुका है /institute, शॉर्ट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट। तो शॉर्ट इंस्टीट्यूट का ये मतलब है कि यहां पे भी मैं अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखूंगा, यहां पे भी इंस्टीट्यूट का नेम लिखूंगा, यहां पे जो नेम लिखूंगा, अगर हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल UOP, तो वो शॉर्ट को मैं यहां यूज कर सकता हूं और उसका पूरा दे सकता हूं यहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इसको मैं पूरा नेम यहां पे लिख सकता हूं। इसका फायदा ये है कि अगर आप यहां पे कैपिटल UOP यूज करें और यहां पे यूज करें यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, तो जैसे इसको कंपाइल करें तो देखें अब इसका फायदा क्या हुआ। देखें इसको मैंने यूज किया है रिमेंबर टाइटल ऑथर डेट, यहां पे मैंने इसको यूज किया है, यानी हम टाइटल पेज में अभी काम कर रहे हैं तो उन्हीं टाइटल के नीचे मैं इसको लिख रहा हूं। अब देखें ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर आपके पास यहां आ चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और अब जो आपने UOP लिखा था वो देखें फुटर में आपके नेम के साथ आ चुका है, फुटर में आपके नेम के साथ आ चुका है। तो हम जब कस्टमाइजेशन पढ़ेंगे उसमें हम इस तरह चीजें सीखेंगे कि अगर मुझे नेम नहीं चाहिए फुटर में तो उसको किस तरह रिमूव करेंगे, या मुझे फुटर में पूरा नेम चाहिए तो अगर आप यहाँ पे पूरा नेम लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर तो यहाँ पे पूरा जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यानी अगर आप शॉर्ट नेम नहीं देना चाहते शॉर्ट नेम में भी अगर आप इस तरह लिखेंगे शॉर्ट नेम में भी तो देखें फिर शॉर्ट नेम में भी यही पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर आपके फुटर में आ जाएगा। अच्छा आप देख सकते हैं अहमद अली यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ये आ चुका है। अब देखें ये मैं चाह रहा हूं कि यहां पे तो चले मैं लिख लेता हूं शॉर्ट लिस्ट लिखते हैं UOP। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर यह भी डिटेल्स भी मुझे गिवन हो, ये डिटेल्स भी गिवन हो, रोल नंबर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, ये का किस तरह मैं इसको दे सकता हूं। तो देखें बस आपने क्या करना है, ये जो हमें गिवन है पूरा जो हम नेम लिखते हैं इंस्टीट्यूट का नेम, यहां पे आपने लिखना है, मैं रोल नंबर लिखना चाहता हूं पहले, तो आपने लिखना है रोल नंबर A29, फिर नेक्स्ट लाइन से तो डबल स्लैश लगाएंगे नेक्स्ट लाइन, फिर मैं लिखता हूं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, फिर नेक्स्ट लाइन में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर तो हम डबल स्लैश लगाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। अब इसको जब कंपाइल करेंगे आप तो आपको इफेक्ट नजर आ जाएगा, ये सारे इसमें इसी यहां पे आ जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। देखें ये आ चुका है अहमद अली रोल नंबर ये और ये। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारे पास, हम टाइटल पेज में अक्सर यूनिवर्सिटी का लोगो लगाते हैं कि लोगो हमारे पास क्या है, तो लोगो को लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो लोगो है आपके पास उस लोगो को आपने सबसे पहले कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से आ जाऊँगा और यहाँ से मैं अपनी लोगो कॉपी कर लूँगा, ये है मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की लोगो है ये, तो यहाँ से इसको कॉपी करना है, जिस फोल्डर में आप अपना बीमर लिख रहे हैं वहां पे आपने इसको पेस्ट करना है, और लोगो का नेम भी हमने लिखा है LOGO, तो ये आपने सबसे पहले काम आपने ये करना है। फिर आपने आना है अपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल में और देखें लोगो हमने देना है यहाँ पे, हमने इसको इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करने के लिए आप यहाँ पे कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसके नीचे यूज करता हूँ /title। अच्छा देखें एक होता है हमारे पास /include graphics, तो चूंकि हम ये ग्राफिक्स ये पिक्चर ये फिगर टाइटल पेज में लगा रहे हैं तो इसलिए हम यूज करेंगे /title graphic, यानी टाइटल पेज के अंदर हम ग्राफिक्स यूज करेंगे, तो इसलिए इस टेक्स्ट के अंदर /title graphic के बाद इस टेक्स्ट के अंदर मैं यूज करूंगा /include graphics, और /include graphics वही ओल्ड कमांड है, हम डॉक्यूमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, बुक में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो की वैल्यूज का मतलब है यानी साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं scale is equal to। अब लेट से मैं scale 14 यूज कर रहा हूँ, 0 point scale में यूज कर रहा हूँ
जीरो पॉइंट, तो देखिए अगर बहुत बड़ा आ जाएगा लेकिन लार्ज होगा तो फिर आपने इसने आप इसको आपने कम करना है। इमेज फाइल मीन्स कि फाइल का नेम क्या है, तो लोगो, तो जैसे इसको कंपाइल करेंगे तो आपका लोगो यहां पे आ जाएगा। अब देखें जरा इसको, आप जरा इसको देखें कितना जबरदस्त हमारा टाइटल पेज क्रिएट हो चुका है। मिस्टर अहमद अली, रोल नंबर 829, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, ये हमारा लोगो। और देखें ये फुटर में जरा देखें, ये टाइटल का नेम और डेट और स्लाइड नंबर। तो देखें ये कितना, ये देखें आप पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लाटेक में ये बनाएंगे तो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, जरा देख लें आप इसको एक दफा, देख लें थोड़ा इसको के, और फिर आप कंपैरिजन करें कि कौन सा अच्छा है ज्यादा और कौन सा अच्छा नहीं है। तो अच्छे तो दोनों हैं, लेकिन टाइम की भी बात होती है और ईज की भी बात होती है कि जो आप यूज़ करना चाहें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पावर पॉइंट बुरा है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी उसके बहुत सारे फ़ायदे उसके हैं, लेकिन लाटेक में प्रेजेंटेशन, ये तो एक चीज़ तो लाटेक की ये है कि एक ही जगह पे आप सब कुछ कर सकते हैं, बस पैकेज डॉक्यूमेंट क्लास चेंज करते जाएं और डॉक्यूमेंट ही आपका पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये है इसमें यूज़। अच्छा देखें आपने, अब लेट से मैं एक नेक्स्ट फ्रेम पे जाना चाहता हूँ, सिर्फ उसको डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट फ्रेम पे किस तरह जाएंगे। तो देखिए एंड फ्रेम, बिगिन डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट में एंड फ्रेम के बाद आपका नेक्स्ट फ्रेम जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए जरूरी है आपने नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट करना है तो बिगिन फ्रेम यूज करना है। फिर इसमें आपने जो भी लिखें, इसको आज हम डिस्कस नहीं करने वाले, जस्ट फ्रेम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमारे उस नेक्स्ट फ्रेम में आता जाएगा। अच्छा देखें इसको नेक्स्ट फ्रेम में जब आप आएंगे ना नेक्स्ट फ्रेम में, तो देखें नेक्स्ट फ्रेम को भी लाटेक खुद ब खुद उसका फुटर, उसके फुटर में जो देखें उसका नेम जो है हमारा टाइटल जो हमारा है नेम, और देखें पेज नंबर टू, देखें वन ऑफ टू, यानी ये दूसरा पेज है, सही है ना, तो दूसरे पेज पर हम आ चुके हैं। तो इस तरह लाटेक इसको खुद ब खुद नंबरिंग देगा, पेज नंबर टू देगा, फिर पेज नंबर थ्री फोर, इसी तरह। तो देखें नंबरिंग भी लाटेक खुद ब खुद देगा और नेक्स्ट पेज पे जिस जितने फ्रेम्स आपको चाहिए बस नेक्स्ट पेज पे जाना है, बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम में आप जो लिखते जाएं, तो ये देखें नेक्स्ट मैंने यूज किया है, तीसरा स्लाइड हमारा क्रिएट हो जाएगा। फ्रेम मीन स्लाइड, जिसे हम स्लाइड कहते हैं, तीसरा स्लाइड हमारा जनरेट हो जाएगा। देखें ये तीसरा स्लाइड जनरेट हो चुका है। तो ये लाटेक में आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है टाइटल पेज क्रिएट करना, हमने किस तरह किया। अब देखें इसमें हम चीज़ें सीखेंगे कि हम अब यहाँ पे हम हेडिंग्स देंगे तो किस तरह देंगे, इसका टाइटल चेंज करेंगे, इसका फ्रेम पे यहाँ पे टाइटल देंगे, जब हम कोई एग्जांपल लिखना चाहते हैं उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कोई मैथमेटिकल एग्जाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख रहे हैं किसी चीज़ की वेलोसिटी या फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह हेडिंग्स जिस तरह हम देते हैं, तो यहाँ पर हम हेडिंग्स के लिए ब्लॉक्स यूज़ करते हैं बीमर में, तो उसको किस तरह यूज करेंगे, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए ये बेसिक हैं, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया कि आप किस तरह एक इजी, तो देखिए अगर आप यहाँ पे यूज थीम, कलर थीम इसमें चेंजेस करेंगे तो आपका यहाँ पे जो कलर्स होंगे यहाँ पे स्टाइल भी चेंज होगा। लेट्स से हम ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा वाजे हो। मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, इसके अलावा हम यूज करते हैं लेट्स से वर्षा यूज करते हैं कि वर्षा का इफेक्ट क्या होगा थीम की जगह, तो आप सारे ट्राई कर सकते हैं। वर्षा तो देखें, अब देखें वर्षा का जरा स्टाइल देखें, वर्षा में क्या है, सिर्फ आपको नेम मिलेगा और टाइटल मिलेगा, स्लाइड नंबर इसमें नहीं है। तो समटाइम्स थीम्स में आपको स्लाइड नंबर नहीं मिलेगा, डेट्स वाई मैं ज्यादातर मेड रीड यूज करता हूँ, और भी है उसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लुक की बात होती है, अपनी मर्जी की बात होती है। तो अगर आप यहाँ से ये कलर थीम रिमूव करेंगे, यूज कलर थीम, सिंपल यूज थीम रखेंगे, तो फिर इसका इफेक्ट चेंज होगा। अब देखें ये मैंने चेंज कर लिया है, तो देखें ये इस तरह नजर आ रहा है कि ये मैड्रिड की तरह है, लेकिन मैड्रिड में आपको देखें फुट लाइन, फुटर जो हमारा होता है उसमें आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं, डेट, स्लाइड नंबर, इसमें सिर्फ आपको नेम मिल रहा है और टाइटल पेज मिल रहा है, टाइटल पेज जो टाइटल जो आपका है वो आपको मिल रहा है। तो आप अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं इसमें। हम अपना जो मैंने आपसे कहा कि ये हम बना चुके हैं लाटेक में, ये हम ऑलरेडी मैं आपके साथ ये शेयर कर चुका हूँ कि इसको हम किस तरह बनाते हैं। तो इसको हमने बनाया, आपने देखा कि बहुत ही इजी मेथड है इन चीज़ों को सीखना, इनको
बनाना। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। और हमने सीखा कि हम टाइटल पेज किस तरह बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस हम लाटेक में किस तरह क्रिएट करते हैं। तो ये तो बेसिक वीडियो है। इंशाल्लाह जो हमारी अपकमिंग लाटेक से रिलेटेड वीडियोस होंगी उसमें हम मजीद सीखेंगे। और ये पूरा जो मैंने बनाया है इंशाल्लाह इक्वेशंस किस तरह इंसर्ट करते हैं, चंद एक मुश्किल इक्वेशंस भी इंसर्ट कर लेंगे, चूंकि हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को हमने इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। चंद एक बेसिक इक्वेशंस मैंने आपसे आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इक्वेशंस हो जाते हैं, उसको किस तरह इंसर्ट करेंगे वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंशाल्लाह हम मजीद चीज़ें सीखेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएंगी, उसमें हम इसको मजीद डिटेल के साथ सीखेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड ऑल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।